ये तो पप्पू यादव ने ही किया ना भाई, आपको क्या जरूरत है इस चीज को लिखने के लिए कि देश है हिजड़ों के फौज है। आज लॉरेंस बिश्नोई पूरे मतलब यार बड़े बड़े जो अपने आप को मतलब तंबूरा समझते थे सारे लोग आज पॉइंट में सुसु करवा के रखे हुए हैं, और उस चीज में आप अगर घुस रहे हैं तो आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर उन्हीं को लोग उन्हीं को जवाब दे रहा है कि इसी को कहते हैं उड़ते हुए तीर लेना। पप्पू यादव कोरोना हो या बाढ़ हो उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, नो डाउट अच्छे काम किए, लेकिन उनकी में एक प्रॉब्लम है ना कि वो अच्छा कार्य करते करते हुए एक ऐसा काम कर देते हैं कि सारे चीज पर ना गोबर डाल दे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जब से लॉरेंस बिश्नोई पे बयान दिए उसके बाद से जो है लगातार पप्पू यादव को धमकी मिल रहा। एक तरफ जो है पप्पू यादव अपने सुरक्षा को बढ़ाने का मांग भी कर रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ सन्नी जी हैं जो कि इनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सन ऑफ हिंदुस्तान से ये प्लेटफॉर्म चलाते हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। ये क्या सही है एक सांसद को जो है इस प्रकार से धमकी देना, जान से मारने का और सुरक्षा नहीं देना? तो आप ये बताओ कि ये कहां से मतलब सही है कि एक सांसद को गैंगस्टर के बारे में आकर बोलना पब्लिकली? गलती तो पप्पू यादव ने ही किया ना भाई, आपको क्या जरूरत है इस चीज को लिखने के लिए कि देश है हिजड़ों के फौज है। वो तो कल तक बोल रहे थे कि हम 2 घंटा में खत्म कर देंगे नेटवर्क, वो तो कहते सलमान के सुरक्षा देने के लिए बात कर रहे थे। आज अपने स्वयं सुरक्षा के लिए गृह मंत्री को रोज लेटर लिख रहे हैं और यहाँ नीतीश कुमार जी को लेटर लिख रहे हैं। तो भाई ऐसा काम ही आप क्यों कर रहे हो कि जब आप दूसरे को सुरक्षा देने की बात करते हैं तो स्वयं सुरक्षा की बात करने लग रहे हो? ये सब फालतू काम है यार, ऐसा बात नहीं है। पप्पू यादव कोरोना हो या बाढ़ हो उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया, नो डाउट अच्छे काम किए, लेकिन उनकी में एक प्रॉब्लम है ना कि वो अच्छा कार्य करते करते हुए एक ऐसा काम कर देते हैं कि सारे चीज पर ना गोबर डाल देते हैं, सारे चीज पर। आप देखो ना, आप अच्छा काम करते रहो, कभी जेएनयू चल जाओ, आप लोग देखे ना जो दीपिका पादुकोणिया और जो कन्हैया कुमार के साथ जाके जेएनयू में बैठ गए थे और बीच में यहाँ पे कोरोना में अच्छा काम कर रहे थे, अब फिर देख रहे सडनली कि आप जाके वहां बैठे हुए जेएनयू में देश विरोधी जहां पर नारा लग रहा है आप वहां पर बैठ रहे हो, ये चीजें खराब है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को तो प्रशासन को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, लगातार वो कह रहे हैं। क्यों भाई सुरक्षा देनी चाहिए भाई, आपको कौन बोला था कि लॉरेंस बिश्नोई पर टिप्पणी करो? बड़े बड़े मतलब जो अरे तो इतने बड़े बिहार के नेता बाबा सिद्दीकी का हत्या हो जाएगा, ऐसे में जो है कोई नेता बोल नहीं रहे थे, उसमें पप्पू यादव जो बोल दिए तो गलत कर दिए। तो भाई बाबा सिद्दीकी कौन सा मतलब दूध का धुला हुआ व्यक्ति था भाई, मकोका लगा था उस पे यार। आप लोग सोशल मीडिया देखते नहीं हो यार, आप लोग न्यूज इन्फ्लुएंसर हो तो आप लोग सोशल मीडिया भी देखते हैं, आप बिल्कुल देखते हैं। तो वो कौन सा व्यक्ति सही था यार? और उस देखिए आप गैंगस्टर थे कभी, बाहुबली थे कभी पप्पू यादव जी, आज आप एक सोशल वर्कर के रूप में आ चुके हैं, क्योंकि आप अगर लोगों को आप हेल्प करते हैं या लोगों को मदद करते हैं, दैट्स कॉल्ड आप सोशल वर्कर है, नॉट ए गैंगस्टर। तो आप गैंगस्टरों के बीच में क्यों आते हो आप? आज लॉरेंस बिश्नोई पूरे मतलब यार बड़े बड़े जो अपने आप को मतलब तंबूरा समझते थे सारे लोग आज पॉइंट में सुसु करवा के रखे हुए हैं, और उस चीज में आप अगर घुस रहे हैं तो आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर उन्हीं को लोग उन्हीं को जवाब दे रहा है कि इसी को कहते हैं उड़ते हुए तीर लेना। नहीं, गरीबों के मसीहा है पप्पू यादव, मैं तो बोल रहा हूँ यार कि वो गरीबों के मसीहा तो है ही यार, लेकिन अच्छा काम करते हुए भी एक ऐसा काम कर देते हैं जो लोगों को सही नहीं लगता है। आज बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई तमाम जितने भी यार जो एंटी विरोधी जो देश के लोग जो है खालिस्तानी गैंग है सारे लोगों पर व्यक्ति अगर कार्रवाई कर रहा है तो कौन सा मतलब काम गलत कर रहा है भाई? आज कनाडा सरकार थर थर कांप रहा है लॉरेंस बिश्नोई से, तो कौन सा गलत काम कर रहा है भाई? बॉलीवुड में जब मेरा भाई सुशांत सिंह राजपूत मारा तो कोई क्यों नहीं बोला भाई? जब गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई तो फिर क्यों नहीं बोला ये बॉलीवुड गैंग? ये जो 3 खान है ना आज पॉइंट में लोग सुसु करवाए हुए लॉरेंस बिश्नोई, और ये पप्पू यादव का समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब यहाँ बड़े बड़े यार अरबपति या खरबपति नेटवर्किंग लोग का हालत खराब है, यहाँ बीच में घुसने के लिए फिर भी जो है धमकी क्यों दे? तो यही चीज पहले वो समझ जाते हमको सलमान खान से कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़े लिखे हो सांसद महोदय जी, आप एक अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे वर्क कर रहे हो, नो डाउट। आप सोशल मीडिया थोड़ा एक बार देख तो लो यार कि हवा किधर बह रहा है। हवा अगर किधर बह रहा है उधर तुम बोलो ना यार। इतने बड़े सांसद 7 बार से सांसद हैं और उनपे जो है धमकी देना, वो भी जेल में बैठे, तो ये सरकार की नाकामी हुई। आप लॉरेंस की तारीफ कर रहे हैं, ये कौन सा भाई जस्टिफाई कर दिया? कोई मोहर मार के दिया है क्या कि वो जेल से ही धमकी दे रहा है? हो सकता है उसके नाम पर कोई और भी धमकी दे रहा होगा। तो खैर ये तो जांच के विषय है, इस पे सरकार अपनी काम कर रही है और वो जेल में है ऑलरेडी, साबरमती शायद कौन सा जेल में है, गुजरात साबरमती जेल में है, वहां व्यक्ति है, उस पे सरकार अपना काम कर रही है और सरकार इंक्वायरी करे कि भाई जो ऐसे व्यक्ति को धमकी दे रहा है तो कौन दे रहा है। राइट नाउ लगता है शायद मैं कल न्यूज देखा हूँ कोई व्यक्ति पकड़ाया भी है दिल्ली से, बिल्कुल वो तो कह रहा है कि हम जो है पुलिस भी छानबीन की है कि वो जो है लॉरेंस गैंग से नहीं है। अब बताइए पुलिस बोले कि लॉरेंस गैंग से नहीं है, आई साहब का कहना है कि लॉरेंस गैंग से हमको धमकी आ रहा है,
तो भाई क्या सच्चाई है और नहीं है, ये तो सामने आ जाएगी बहुत जल्द। उनके पत्नी का, पप्पू यादव के पत्नी का ही बयान है कि हमको उनसे लेना देना नहीं है, 2 साल से हम अलग रह रहे हैं। अब बताइए क्या जरूरत ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए, अब घरों टूटने के बारे आ गया। खैर इन लोगों का इंटरनल चीज है, इस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, उन लोग के अंदर क्या ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा पप्पू यादव जी ऐसे चीजों से आप बचें, क्योंकि आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे वर्कर है, चाहे कोरोना हो या लॉकडाउन हो, आपने अच्छा कार्य किया है, चाहे इंजेक्शन प्रोवाइड किया हो या हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड करना, आपने अच्छा वर्क किया, हम लोगों ने उस चीज को देखा है, पर्सनली मैं उनको जानता भी हूं और बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें आप ना करें, क्योंकि आप एक समाज का एक अलग दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, वो सरकार की काम है, वो सरकार देखे, आपको टिप्पा टिप्पणी कोई चीज पे नहीं करना चाहिए। आप अच्छा काम करते करते ऐसा काम करते कि सारा चीज पर गोबर डाल देते हैं, बस यही कहना चाहूंगा। ऐसे अच्छे व्यक्ति है, और मैं देखो मैं लॉरेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, लॉरेंस जो कर रहा है उसकी सरकार उस पर अपना कार्रवाई कर रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन पप्पू यादव जी को भी अगर कुछ बोलना है तो सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप गैंगस्टर अब नहीं हो सर, आप एक सांसद हो, सम्मानित व्यक्ति हो सर, तो अपने एक अलग आपका एक ओहदा है, आप उस अनुसार काम करो। चलिए तो ये हमारे साथ सन ऑफ हिंदुस्तान सनी जी हैं, जिन्होंने खुलकर बोला कि लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।